बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर बेस्ट टीचर। और आज का जो हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था, चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास सामने, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के चांद क्वेश्चंस करने हैं, तो आइए जरा उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वैल्यूज फाइंड करवानी है 2 साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। अब ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आनी चाहिए, 30 पे, 30 पे, 45 पे, 60 डिग्री पे, साइन का स्टेन और इनके जो यूनिवर्सल हैं उनकी वैल्यूज का हमें पता होना चाहिए। अब ये देखें 2 साइन 45 डिग्री है प्लस कॉस 45 डिग्री। अब अगर हमें साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू का पता है तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम इसको देखते हैं, ये देखें 2 वैसे का वैसे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉस 45 डिग्री, क्या वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई होकर x ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट 2, इसका भी स्क्वायर रूट 2 है, तो हम एलसीएम लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। और यहां से फर्दर ये आ जाएगा 2 प्लस 1 जो कि इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3, सॉरी 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर। जस्ट हमें वैल्यूज का पता होना चाहिए कि 45 डिग्री पे साइन की क्या वैल्यू है और कॉस 45 डिग्री पे इसकी क्या वैल्यू है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं, 2 कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं जरा। टू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है 1 ओवर 2। तो यहां पर 2 है, ये 1 ओवर 2 है, इस 2 से 1 ओवर 2 को कैंसिल करवा देते हैं तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, बाकी हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 जो कि इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, इसको सॉल्व करते हैं जरा। टेन 45 डिग्री कॉट 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री क्या वैल्यू होती है, हमें वैल्यू का पता होना चाहिए, फिर हमारे लिए बहुत ही आसान है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री जो कि इसका इनवर्स है 100 है, उसकी भी वैल्यू 1 का इनवर्स 1 ही होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, हमारे पास आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक हो गया, टेन और कॉट एक दूसरे बुलेट है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये टेन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट का उलट कर लें, ये आएगा 1 ओवर टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री ऊपर है और ये नीचे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसमें उसने वैल्यूज हमें खुद से ही दे दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या दी है उसने, खुद ही दे दी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉस 45 डिग्री क्या वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, दोनों कैल्सियम ले लें जो कि आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2, ये आंसर 1 आ जाएगा प्लस 1, तो ये आएगा नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस 1 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin
45 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। अब ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय cos 45 डिग्री क्या वैल्यू होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही होती है। अब ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम में हमारे पास क्या आता है स्क्वायर रूट 2, यहां से 5 आ जाएगा और यहां से माइनस 3 आ जाएगा। अब ये आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो कि इसका फाइनल आंसर है। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड चंद क्वेश्चन देखे। अब ये देखिए अगर हमें वैल्यूज अच्छे तरीके से याद है, साइन कॉस टेन 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, अगर ये वैल्यूज हमें अच्छे तरीके से आती हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान है। जस्ट हमने उनकी वैल्यूज पुट करनी है और बस उनको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर किसी पॉइंट पे भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।